आपका स्वागत है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन छात्र अपने अपने गुरुओं के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। एक छात्र के जीवन में उसके शिक्षक की भूमिका बहुत अहम रहती है। भारत में शिक्षक को माता पिता के बराबर का स्थान भी दिया जाता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को बर्तन में ढालता है और लोहार लोहे तपाकर कुछ उपयोगी चीज़ें बनाता है, ठीक उसी तरह शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य निर्माण भी करता है। शिक्षक दिवस पर ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुताणी में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीता झा था। रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुताणी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। 6 बहन भाइयों और माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार के आय अयंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। यद्यपि राधाकृष्णन के पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल तिरुपति में दाखिल कराया। इसके बाद उन्होंने विल्लूर और मद्रास कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1903 में 16 साल की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन सिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 साल की थी। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में बिताए। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया। डॉक्टर एस गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की। राधाकृष्णन की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू में राधाकृष्णन से आग्रह किया गया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को संपन्न करे। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति किया गया। 1962 में राजेंद्र प्रताप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनके कार्यकाल काफी चुनौती भरा था। जाएक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। राधाकृष्णन ने मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमरीकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद अपना देह त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। साहिबगंज जिला